महंगाई है। हाँ महंगाई सब महंगाई सब चीज। कौन सी पार्टी वोट करेंगे आप? कांग्रेस की। कांग्रेस को देखिए, मेवात के नौजवानों के साथ साथ मेवात के उनके साथ साथ जुड़ जाता है एक नाम महिलाओं का, क्योंकि ये भी बराबर का हक रखती हैं। जी इस बार कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे आप? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी आएगी इस बार? जी एक हमारे साथ एक बच्चू हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रख रहे हैं, ये भी बहुत उत्सुक हैं बताने के लिए। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। अच्छा कांग्रेस पार्टी को लाइक करते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। जी देखिए साहब, बड़े तो बड़े बच्चों में भी बड़ी उत्सुकता है चुनाव को लेकर के, क्योंकि सभी इसमें रुचि ले रहे हैं। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ डीटी न्यूज के हवाले से, बने रहे मेरे साथ। देखिए साहब, जहाँ देश अर्थव्यवस्था की मार से जूझ रहा है, वहीं ये जो हमारे मेवात के जो गरीब तबके के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, महंगाई की मार है। एक हमारे साथ एक हमारी अम्मा है, उनसे बात करेंगे। महंगाई है? हाँ महंगाई सब है। महंगाई सब चीज। कौन सी पार्टी वोट करेंगे आप? कांग्रेस की। कांग्रेस को? जी देखिए साहब, अर्थव्यवस्था की मार पूरा देश झेल रहा है, और उसके साथ साथ ये सब्जी विक्रेता है, एक ताऊ हमारे साथ है। जी ताऊ, किस पार्टी को वोट करेंगे? भाई हवा की देंगे तो सरकार बढ़िया काम करेगी। जी हाँ, किसको? कांग्रेस या बीजेपी ही कर रही है बढ़िया बीजेपी। हाँ। देखिए साहब, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। एक और हमारे साथ के नौजवान है, भाई जी, जी किसको वोट करना चाहेंगे इस बार? जी हम साहब का पटवारी को। जी अगर कांग्रेस टिकट की दावेदारी भी चल रही है, जी कहाँ तक देखते हैं? जहाँ तक मिल जाए जो वहाँ तक ही देखते हैं। जी भाई जी, कांग्रेस। कांग्रेस को? जी आप? कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी को? हाँ जी। जी भाई जी, आप कौन सी पार्टी को वोट करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी, हत्या का निशान पे। देखिए साहब, इस बार कांग्रेस का इस बार परचम लहराने वाला है। सिंगार गांव के लोगों की जन समस्याएं भी हैं, और मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। इन लोगों की मांग है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं सही तरीके से हों, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, यहाँ गंदे रास्ते हैं और नालियाँ सही से नहीं बन पा रही हैं, और जो पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हमारा सही से निदान हो, जितनी भी समस्याएं हैं मैं आपको लगातार दिखाता रहा हूँ। राजनीति से अलग हट करके एक जन समस्या भी। विधानसभा चुनाव सर्वे चल रही है, गाँव सिंगार में है, और हर चौक चौराहे की हम सर्वे कर रहे हैं, और आज हम एक चौराहे पर आ पहुँचे। यहाँ मौजूद लोग जो चुनावी चर्चा करते हैं, जो तय करते हैं सत्ता, इनसे बात करेंगे। जी इस बार क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? भाई बीजेपी की उम्मीद दिख रही है हम सरकार बनने की, बीजेपी की। जीताओ जी, जो सरकार अच्छा बर्ताव करेगी उसी का ही समर्थन होगा। बीजेपी रही है? अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी हो, दोनों में से वोट हम तो करेगा कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी जनाब, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी। जी चेहरा कौन होगा? चेहरा तो अब जिसको टिकट मिलेगी वो ही आएगा। जी जनाब, आप कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे? कैसे बता, कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे, कौन से नेता होगा? फिलहाल तो बीजेपी थी, बीजेपी पार्टी। देखिए लोगों की अलग अलग मनसा है, अलग अलग राय है, हम आपको लगातार की सर्वे दिखा रहे हैं। एक हमारे साथ एक नौजवान और है, इनसे बात करेंगे कि ये कौन सी पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। जी किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं आप? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को? जी भाई जी, कांग्रेस। जी देखिए, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ट्रेंड रहा है, और ये युवा जुड़े हुए हैं, और लगातार ये हर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक हो या फिर पॉलिटिक्स, सब तरीके के। एक और हमारे साथ इनसे बात करेंगे कि कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे। जी किसको वोट करना चाहेंगे आप? मैं बीजेपी को। बीजेपी पार्टी को? देखिए लगातार हमारा सर्वे चल रहा है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या होने वाला इस बार विधानसभा में, कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को? चेहरा कौन होगा आपका? चेहरा सुबान का। जी देखिए साहब, लगातार का सर्वे हमारा चल रहा है डीटी न्यूज के हवाले से। ये नौजवान, ये शिक्षित वर्ग के वो भविष्य हैं जो तय करते हैं सत्ता। जब शिक्षा के क्षेत्र की बात आती है तो मेवात हमेशा से पिछड़ा रहा है। भाई जी किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, क्या रुख होगा इस बार? सर देखो, पार्टी का भी अगर हम देखा जाए तो सर बीजेपी को तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जो कुछ आपके सामने ही है। आजकल आप मतलब देख रहे हो ना, आजकल हालात कितने बेकार हैं देश में। विधानसभा की बात करते हैं जी, क्या होने वाला है इस बार? सर इस बार देखो, अब ये तो टिकट मिलने के बाद ही पता चलेगा किसको टिकट मिलता है।